इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। मीन्स दैट वैसा ड्रग जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है उस ड्रग्स के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में हम नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो वेरियस ड्रग्स है फॉर एग्जाम्पल एकोनाइट, हायोसाइमस, ओपियम, कैनाबिस, ये सब के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स चल रहे होते हैं उसको रियलाइज करना, मींस दैट परसीव करना, और कैसे फिर उस इवेंट्स के साथ रेस्पॉन्स दिखाना, ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पर्पस है। मीन्स दैट जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है बॉडी के वेरियस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को। द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द वेरियस वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, बट जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो पूरे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। But all the organ system are controlled by the nervous system. जितने भी organ system है सबको nervous system ही control करता है, इसलिए nervous system को control unit of the body कहा जाता है। So nervous system is known as the control unit of the body. अब हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन जानेंगे। एनाटॉमिकली नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। सेंसरी मीन्स दैट एफेरेंट एंड मोटर मीन्स दैट एफेरेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों इंटरलिंक्ड रहता है, जिस कारण से कुछ ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना इफेक्ट शो करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। बोथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर इंटरलिंक्ड and some drugs which shows effect on the central nervous system may also produce reaction or effect associated with peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन है वो स्मूथ नर्वस टिश्यू से बना होता है। फर्दर ब्रेन को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसके बारे में हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना है। इस टॉपिक में जो हमें ड्रग्स पढ़ने हैं वो है हायोसाइमस, बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, इफिड्रा, ओपियम, कैनाबिस और नक्स वोमिका। सबसे पहले हम हायोसाइमस से स्टार्ट करेंगे। हायोसाइमस का साइनोनिम्स जानते हैं। हायोसाइमस को पॉइजन टबैको, खुरासिनी, अजवाइन, इंसेन रूट, ब्लैक हेनबेन कहा जाता है। हायोसाइमस का साइनोनिम है इंसेन रूट, पॉइजन टबैको, खुरासिनी, अजवाइन या फिर ब्लैक हेनबेन। अब हम हायोसाइमस का बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं। हायोसाइमस ड्राई लीव्स या फिर फ्लावरिंग टॉप होता है हायोसाइमस निगर प्लांट का। ड्राई लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ
ऑफ द प्लांट हायोसाइमस निगर। फैमिली नेम हायोसाइमस का है सोलानेसेई। जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं हायोसाइमस का, तो हायोसाइमस को कल्टीवेट किया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूएसए में, इंडिया में, हंगरी में और पर्सिया में। हायोसाइमस इज कल्टीवेटेड इन पर्सिया, हंगरी, इंडिया, यूरोप, इंग्लैंड। इंडिया में कश्मीर टू गढ़वाल में कल्टीवेशन होता है हायोसाइमस का। अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं हायोसाइमस लीफ्स का। आप यहां देख सकते हैं ये हमारा हायोसाइमस लीफ है जिसका एपेक्स एक्यूट होता है, मिडरिप जो है वो ब्रॉड रहता है और बेस जो है वो इक्वल रहता है। जो कलर है लीफ्स का वो पेल ग्रीन रहता है। हायोसाइमस लीफ का ऑर्डर नहीं होता है, मींस दैट ऑर्डर ऑफ हायोसाइमस लीफ इज नन। हायोसाइमस लीफ का हम टेस्ट जानते हैं तो बिटर रहता है हायोसाइमस लीफ का टेस्ट। साइज जानते हैं हायोसाइमस लीफ का, तो जो लेंथ है हायोसाइमस लीफ का वो 20 to 30 centimeters रहता है और ब्रेथ हायोसाइमस लीफ का 4 to 10 centimeters रहता है। मीन्स दैट हायोसाइमस लीफ 4 to 10 centimeters ब्रॉड रहता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं हायोसाइमस का, जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हायोसाइमस का वो है अल्कलॉइड। मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हायोसाइमस इज अल्कलॉइड, और जो अल्कलॉइड में चीफली पाया जाता है वो है एल हायोसियामीन, मींस दैट लिवोरोडेट्री हायोसियामीन, और ट्रेसेस ऑफ हायोसिन और एट्रोपिन पाया जाता है। एट्रोपिन जो है वो मीडिएटिक के तौर पे एक्ट करता है पिप्यूल डाइलेशन में। जो हायोसिन है इसको स्कोपोलामीन भी कहा जाता है। जो अल्कलॉइड्स है वो मेनली मिडरिप और पेट्यूल में पाया जाता है। और भी अल्कलॉइड्स पाया जाता है, फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड। जब ड्रग का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा होता है लीफ से, उस केसेज में हीट, एसिड और अल्कली का यूज होता है, जिस कारण से जो एल हायोसियामीन है वो लॉस हो जाता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है डीएल हायोसियामीन में, जो कि हेट्रोपिन्स हो जाता है जो बहुत कम रिएक्टिव है। मींस दैट लिवो रोटेटरी से डेक्टो लिवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण जो डीएल हायोसियामीन है वो कम रिएक्टिव रहता है। अब हम यूजर्स जानते हैं हायोसियामीन का, तो हायोसियामीन को हम मीडिएटिक के तौर पे यूज करते हैं पिप्यूल डाइलेशन में। हायोसाइमस ड्रग को सेडेटिव और नार्कोटिक के तौर पे यूज किया जाता है, मींस दैट हायोसाइमस इज यूज्ड एज सेडेटिव एंड नार्कोटिक। हायोसाइमस एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे एक्ट करता है, हायोसाइमस एक्ट्स एज एक्सपेक्टोरेंट। कफ में यूज किया जाता है हायोसाइमस को, अस्थमा और हूपिंग कफ के ट्रीटमेंट में हायोसाइमस ड्रग का यूज किया जाता है। सेलेबरी सेक्रेशन को चेक करने के लिए भी हायोसाइमस का यूज किया जाता है, यूज टू चेक सेलेबरी सेक्रेशन। अस्थमा और हूपिंग कफ के ट्रीटमेंट में हायोसाइमस का यूज किया जाता है, मींस दैट जो हायोसाइमस है वो एंटी एस्थेमेटिक ड्रग है। जो सेकेंड ड्रग है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का साइनोनिम्स है डेडली नाइट शेड लीफ्स। या फिर पॉइजन ब्लैकबेरी। अब हम बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं बेलाडोना का, जो फ्रेश या फिर ड्राइड लीव्स रहता है, फ्लावरिंग टॉप रहता है या फिर रूट रहता है एट्रोपा बेलाडोना का, उसको यूज किया जाता है ड्रग के तौर पे। बेलाडोना कंसिस्ट ऑफ
fresh and dried leaves, flowering top and roots of Atropa belladonna. जो इंडियन वेराइटी है वो है एट्रोपा एकुमिनेटा। एट्रोपा बेलाडोना सोलानेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानेंगे बेलाडोना का। तो जो बेलाडोना है वो इंडिजेनस है यूरोप से, इंडिजेनस टू यूरोप। बेलाडोना का कल्टीवेशन इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और जर्मनी में होता है। चीफली कल्टीवेटेड इन इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड जर्मनी। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेलाडोना जानते हैं। बेलाडोना में चीफली अल्कलवाइज 0.3 to 1% प्रेजेंट रहता है। बेलाडोना कंटेन्स अल्कलवाइड 0.3 to 1%। जो मेन अल्कलवाइड है वो है हायोसियामीन, एट्रोपीन और हायोसिन। हायोसियामीन, हायोसिन और एट्रोपीन। और जो दूसरे अल्कलवाइड्स प्रेजेंट है वो है एपोएट्रोपीन, एस्पार्गिन। बेलाडोना में वोलेटाइल ऑयल्स भी प्रेजेंट रहता है। अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं बेलाडोना का। जो लीफ का कलर है वो ब्राउनिश ग्रीन होता है। जो फ्लावर का कलर है वो येलोइश ग्रीन होता है। ऑर्डर जानते हैं बेलाडोना का। तो जो ऑर्डर बेलाडोना का स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक। बेलाडोना का टेस्ट जानते हैं। तो बेलाडोना का टेस्ट बीटर और एक्रिड रहता है, बीटर एंड एक्रिड। अब हम साइज जानते हैं बेलाडोना लीफ का। बेलाडोना लीफ का जो लेंथ रहता है वो 5 to 15 centimeter का रहता है और विड्थ जो रहता है बेलाडोना लीफ का वो रहता है 2.5 to 12 centimeter। और फ्लावर का साइज जाने तो 2.5 centimeter लॉन्ग रहता है फ्लावर और 1.5 centimeter वाइड रहता है। अब हम यूजेस जानते हैं बेलाडोना का। तो बेलाडोना को एज एन एंटीडोट यूज किया जाता है ओपियम और मस्किरीन पॉइजनिंग में। यूज्ड एज एंटीडोट इन ओपियम एंड मस्किरीन पॉइजनिंग। मेड्रियाटिक के तौर पे भी यूज किया जाता है बेलाडोना को, क्योंकि इसमें एट्रोपिन अल्कलवाइड प्रेजेंट है। मींस दैट बेलाडोना को पीपिल डायलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। बेलाडोना को यूज करके स्वीट, सेलेवरी और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेक्रेशन को कम किया जाता है। यूज टू रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ स्वीट, सेलेवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो बेलाडोना है वो माउथ और स्किन को ड्राई कर देता है। जो थर्ड ड्रग है वो है एकोनाइट। एकोनाइट का साइनोनिम्स है मीठा जहर, मीठा जहर। एकोनाइट का दूसरा साइनोनिम है मॉन्कवुड। एकोनाइट का थर्ड साइनोनिम है वो है एकोनाइट रूट। मीन्स दैट एकोनाइट रूट को हम एज ड्रग यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं हम एकोनाइट का। तो जो एकोनाइट है वो ड्राई ट्यूबरियस रूट रहता है एकोनिटम नेपेलस का। ड्राइड ट्यूबरियस रूट ऑफ एकोनिटम नेपेलस।
एकोनिटम नेपेलस बायोलॉजिकल सोर्स है। अब हम फैमिली जानते हैं एकोनाइट का, तो एकोनाइट जो है वो रैनुनकुलेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। जो एकोनाइट है वो या तो वाइल्ड या फिर कल्टीवेटेड एकोनाइट प्लांट एकोनिटम नेपेलस से कलेक्ट किया जाता है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं एकोनाइट का, तो जो एकोनाइट है वो नॉर्थ यूरोप, इंग्लैंड, हंगरी और जर्मनी में पाया जाता है। एकोनाइट इज फाउंड इन नॉर्थ यूरोप, इंग्लैंड, हंगरी एंड जर्मनी। अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं एकोनाइट का, तो जो एकोनाइट के रूट का कलर रहता है वो डार्क ब्राउन रहता है। एकोनाइट रूट का जो ऑर्डर रहता है वो स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक रहता है। टेस्ट जानते हैं एकोनाइट रूट का, तो टेस्ट सेंसेशन टाइप का रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन टाइप का टेस्ट रहता है एकोनाइट का। अब हम एकोनाइट के रूट का साइज जानते हैं, तो लेंथ जो रहता है एकोनाइट रूट का वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 centimeter और वेट जो रहता है वो 1 to 3.5 centimeter रहता है। शेप जानते हैं हम एकोनाइट रूट का, तो जो शेप रहता है वो कॉनिकल रहता है और टेपरिंग टाइप का रहता है, कॉनिकल एंड टेपरिंग। एकोनाइट रूट पे जो फ्रैक्चर प्रेजेंट रहता है वो शॉर्ट रहता है और हॉर्नी रहता है, शॉर्ट एंड हॉर्नी। ये जो एकोनाइट का रूट है इसमें साइड साइड से इधर से बहुत सारे रूटलेट बाहर आए रहते हैं। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं एकोनाइट का, तो जो चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है एकोनाइट का वो है एकोनिन, बेंजोइल कोनिन, एकोनिटिन, नियोलिन, नेपेलिन और एमिनो अल्कोहल का डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो अल्कोहल। अब हम एकोनाइट का यूजर्स जानते हैं। एकोनाइट को एक्सटर्नली यूज किया जाता है न्यूरोगेलिया, इन्फ्लामेशन और रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, यूज्ड एक्सटर्नली इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोगेलिया, इन्फ्लामेशन एंड रूमेटिज्म। रूमेटिज्म और इन्फ्लामेशन समझ में आपको आता होगा। न्यूरोगेलिया वैसा पेन होता है जो इरिटेटेड या फिर डैमेज नर्व के कारण कॉज होता है। एकोनाइट को एनाल्जेसिक या फिर कार्डियक डिप्रेसेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। एकोनाइट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स एंड कार्डियक डिप्रेसेंट। जो एकोनाइट है उसको वाउंड पे यूज नहीं करना रहता है, नॉट यूज्ड ऑन वाउंड। जो एकोनाइट है ये हाईली पोटेंट होता है, मींस दैट कम ही अमाउंट में बहुत ज्यादा एक्शन शो करता है और क्विक एक्शन पॉइजन रहता है, बहुत जल्दी इसका एक्शन भी शो होता है। एकोनाइट पॉइजनिंग में मिल्क को हम एज एंटीडोट यूज करते हैं। जो फोर्थ ड्रग है हमारा वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइनोनिम है विधेनिया रूट। इंडियन जिनसेंग, अश्वगंध। अब हम बायोलॉजिकल सोर्स जाने अश्वगंधा का। अश्वगंधा ड्राइड रूट्स या फिर स्टेम बेस रहता है विथेनिया सोमनीफेरा का, ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेस ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा है वो सोलानेसेई फैमिली से बिलोंग करता है।
अब हम अश्वगंधा का जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। तो जो अश्वगंधा है वो इंडिया में ड्राई रीजन्स में कल्टीवेट होता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कल्टीवेटेड इन ड्राई रीजन्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो अश्वगंधा है वो अफ्रीका, श्रीलंका, इजराइल में भी पाया जाता है, ऑल्सो फाउंड इन इजराइल, अफ्रीका एंड श्रीलंका। अब हम अश्वगंधा रूट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं। जो अश्वगंधा रूट है उसका कलर ग्रे टू येलो रहता है, ग्रे टू येलो कलर का अश्वगंधा रूट रहता है। अश्वगंधा रूट का ऑर्डर स्ट्रॉन्ग रहता है। टेस्ट की बात करें अश्वगंधा रूट का, तो जो टेस्ट है अश्वगंधा रूट का वो एक्रिड और बिटर रहता है, बिटर एंड एक्रिड। अश्वगंधा रूट का साइज जाने तो अश्वगंधा रूट का जो लेंथ रहता है वो 10 टू 17.5 सेंटीमीटर रहता है और डायमीटर 6 टू 12 एमएम रहता है। शेप अश्वगंधा रूट का जनरली स्ट्रेट रहता है और अनब्रांच्ड रहता है, मीन्स इसमें कोई भी रूट में रूटलेट नहीं रहता है, स्टेम में कोई भी नोड्स नहीं रहता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानते हैं हम अश्वगंधा का। अश्वगंधा में अल्कलोइड्स पाया जाता है 0.13 to 2%। अश्वगंधा कंटेन्स अल्कलोइड 0.13 to 2%। जो अल्कलोइड्स पाया जाता है वो रहता है ट्रोपीन, स्यूडोट्रोपीन, पेलेटीन, हाइग्रीन। अश्वगंधा में और जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जैसे स्टार्च, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, ये सब भी प्रेजेंट रहता है। अश्वगंधा ऑल्सो कंटेन्स स्टार्च, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजिन्स। अब हम अश्वगंधा का यूजर्स जानते हैं। अश्वगंधा को एज हाइपोटेंसिव एजेंट यूज किया जाता है, डिप्रेसेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। हाइपोटेंसिव का मतलब ऐसा ड्रग जो ब्लड प्रेशर को लोअर्स करता है। फर्दर जो अश्वगंधा है उसको इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। जो अश्वगंधा है उसका स्मूथ मसल पे एक्शन होता है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी अश्वगंधा का यूज होता है। अश्वगंधा एज यूटेराइन सेडेटिव यूज होता है। अश्वगंधा को हम टॉनिक के तौर पे यूज करते हैं, यूज्ड एज टॉनिक एंड एज एन एंटी ट्यूमर ड्रग। एंथेलमेंटिक मींस दैट एंटी हेलमेंटिक के तौर पे भी अश्वगंधा एक्ट करता है। अश्वगंधा एक्ट्स एज एंड एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक्स को हम एंटी पैरासिटिक ड्रग्स के तौर पे भी जानते हैं, मींस दैट वैसा ड्रग जो पैरासाइट मींस दैट हेलमेंटिक जो होता है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। जो फिफ्थ ड्रग है वो है इफिड्रा। इफिड्रा का साइनोनिम होता है सोम, हिंदी में सोम या फिर माहुआंग। अब हम बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं इफिड्रा का। जो स्टेम पार्ट रहता है इफिड्रा सिनिका का उसको हम इफिड्रा ड्रग के तौर पे यूज करते हैं, मींस दैट जो एरियल स्टेम पार्ट रहता है इफिड्रा सिनिका का उसको हम इफिड्रा ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। होल एरियल मींस दैट स्टेम ऑफ इफिड्रा सिनिका या फिर इफिड्रा गेरार्डियाना। इफिड्रा सिनिका या फिर इफिड्रा गेरार्डियाना जिनेटेसेई फैमिली से बिलोंग करता है।
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं इफिड्रा स्टेम का, तो कुछ इस तरह का इफिड्रा स्टेम रहता है, इसमें नॉट्स प्रेजेंट रहता है साइड साइड से, कुछ इस तरह का, यहाँ पे हर जगह। तो जो इफिड्रा स्टेम है उसका जो कलर रहता है ग्रीनिश येलो टाइप का रहता है, ग्रीनिश येलो। ऑर्डर जो है इफिड्रा का वो एरोमेटिक रहता है। टेस्ट जानते हैं इफिड्रा का एस्ट्रिंजेंट टाइप का टेस्ट रहता है। इफिड्रा स्टेम का साइज जाने तो जो लेंथ रहता है इफिड्रा स्टेम का वो 3 to 5 सेंटीमीटर रहता है, और जो ब्रेथ रहता है वो 5 मिलीमीटर रहता है, जिसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। फ्रैक्चर इफिड्रा स्टेम पे फाइब्रस टाइप का प्रेजेंट रहता है, और जो इफिड्रा है वो सिलेंड्रिकल रहता है। जियोग्राफिकल सोर्स जाने इफिड्रा का, तो जो इफिड्रा है वो चाइना से इंडिजेनस है, इंडिजेनस टू चाइना। इफिड्रा इंडिया और पाकिस्तान में कल्टीवेट होता है, ऑल्सो कल्टीवेटेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं इफिड्रा का, तो जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इफिड्रा में वो है अल्कलोइडल एमाइंस, अल्कलोइडल एमाइंस। जो इंपॉर्टेंट अल्कलोइड्स प्रेजेंट है इफिड्रा में वो है इफेड्रीन, एड्रेनालिन, नॉन इफेड्रीन। जो इफिड्रीन प्रेजेंट है वो 1 to 1.5% प्रेजेंट है। अब हम इफिड्रा का यूजेस जानते हैं, तो अस्थमा से रिलीफ में यूज होता है इफिड्रा, यूज्ड इन द रिलीफ ऑफ अस्थमा, ऑल्सो यूज्ड इन हूपिंग कॉफ। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें इफिड्रीन अल्कलॉइड प्रेजेंट है। इफिड्रा का यूज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में भी होता है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें इफिड्रीन प्रेजेंट है। हाइपोटेंशन को ट्रीट करने में यूज होता है। जो इफिड्रा है उसको ओरली देना रहता है, ओरली गिवन बट नॉट बाय इंजेक्शन। जो इफिड्रीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सिक्स्थ जो ड्रग है वो है ओपियम। ओपियम का साइनोनिम है हिंदी में अफीम या फिर ओपियम गम। जो ओपियम है वो ड्राइड लेटेक्स रहता है, जो पेपेवर सोमनीफेरम के अनराइप कैप्सूल से पाया जाता है इंसिजन करके। ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम unripe capsule of plant Papaver somniferum. जो Papaver somniferum है उसके कैप्सूल में इंसिजन करके लेटेक्स को पाया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है। ओपियम Papaveraceae फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम ओपियम का जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। ओपियम इंडिया, ईरान, तुर्की, ग्रीस, पाकिस्तान, बुल्गारिया में कल्टीवेट होता है, कल्टीवेटेड इन इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, ग्रीस, बुल्गारिया। इंडिया में नारकोटिक्स ड्रग में आता है ओपियम, इसलिए नारकोटिक ऑफिसर जहां अपॉइंट करता है वहीं पे इसका कल्टीवेशन होता है। जो ओपियम है उसका जो ऑर्डर होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक। ओपियम का टेस्ट बिटर रहता है। अब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानते हैं ओपियम का।
तो जो अल्कलॉइड है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है ओपियम का, मेजर कंस्टिट्यूएंट ओपियम का अल्कलॉइड है। ओपियम में मॉर्फिन पाया जाता है 8 to 17%, नार्कोटीन भी पाया जाता है, पेपेवेरिन भी पाया जाता है, थेबेन भी पाया जाता है, ओपियम में नोस्कोपिन भी पाया जाता है। फर्दर ओपियम में सुगर, वैक्स, कोडीन, पोटेशियम साल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्च, टैनिन्स भी पाया जाता है। अदर कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड्स कोडीन 2.5 to 3.5%, जो एज एंड एक्सपेक्टोडेंट काम करता है, सुगर, वैक्स, स्टार्च, टैनिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ओपियम में पाया जाता है। अब हम यूजेस जानते हैं ओपियम का। ओपियम को हाइपनोटिक, नार्कोटिक और एनाल्जेसिक के तौर पे यूज किया जाता है। ओपियम इज यूज्ड एज नार्कोटिक, हिप्नोटिक एंड एज एन एनाल्जेसिक। हेरोइन मॉर्फिन से डिराइव किया जाता है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जो कोडीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ओपियम में, वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज होता है। डायरियल कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी ओपियम का यूज होता है। ओपियम इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। एक पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन जानेंगे इंडियन ओपियम का। जो सेवेंथ ड्रग है वो है कैनाबिस। ये कैनाबिस का प्लांट है। ये लीव्स और बर्ड्स को एज ड्रग यूज किया जाता है। कैनाबिस का साइनोनिम जानते हैं। कैनाबिस को इंडियन हेम्प के नाम से जाना जाता है। इंडियन हेम्प मैरिजुआना के नाम से जाना जाता है। सिंपली हेम्प के नाम से भी जाना जाता है। जो भांग, चरस और गांजा रहता है वो नार्कोटिक सब्सटेंस है, जो कैनेबिस से प्रिपेयर होता है। गांजा, चरस, ये वैसा नार्कोटिक सब्सटेंस है जो कैनेबिस से प्रिपेयर होता है, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैनेबिस। अब हम कैनाबिस का बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं। जो कैनाबिस सटाइवा है उसका जो फ्लावरिंग टॉप रहता है उसको कैनाबिस ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। कैनाबिस इज द फ्लावरिंग टॉप ऑफ कैनाबिस सटाइवा। जो फीमेल कैनाबिस सटाइवा होता है उसी के फ्लावरिंग टॉप में लेटेक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको इंसिजन करके निकाला जाता है और फिर तरह तरह के उससे प्रिपरेशन को प्रिपेयर किया जाता है। जो कैनाबिस है वो मोरासेई फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं कैनाबिस का। तो जो कैनाबिस है वो इंडिजेनस है सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, इंडिजेनस टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, इंडिया, इंडिया में जनरली वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कल्टीवेशन होता है कैनाबिस का, अफ्रीका एंड यूएसए। कॉमर्शियली मेक्सिको और अफ्रीका में प्रोडक्शन होता है। कॉमर्शियली जो कैनेबिस है उसका कल्टीवेशन मेक्सिको और अफ्रीका में होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं कैनेबिस का। तो जो एमोर्फिस रेजिन है वो 15 to 20% कैनेबिस में पाया जाता है। एमोर्फस रेजिन 15 to 20%। और जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो रेजिन का वो है THC।
हेम्प फाइबर पाया जाता है कैनाबिस में, हेम्प फाइबर को यूज किया जाता है रोप बनाने में, कैनाबिस में और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वोलेटाइल ऑयल, पोलीन और फिबोनेलिन। कैनाबिस में कैनाकिनोइड्स भी प्रेजेंट रहता है। अब फर्दर हम यूजेस जानते हैं कैनाबिस का, तो कैनाबिस को नार्कोटिक, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीटूसिव के तौर पे यूज किया जाता है। कैनाबिस इज यूज्ड एज नार्कोटिक, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एंड एज एंटीटूसिव। जब कैनेबिस को स्मोक किया जाता है तो ये यूफोरिया कॉज करता है। कैनेबिस काउजेस यूफोरिया व्हेन स्मोक्ड। कैनेबिस का यूज करने से एडिक्शन होता है, इसलिए इसको ड्रग्स में जनरली यूज नहीं किया जाता है। हमारा लास्ट ड्रग है वह है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का साइनोनिम पॉइजन नट है। नक्स वोमिका सीड, कुचला या फिर गौ फिग भी होता है नक्स वोमिका का साइनोनिम। अब हम बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं नक्स वोमिका का, तो जो नक्स वोमिका है वो ड्राइड राइप सीड होता है स्ट्राइकनस नक्स वोमिका का। ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एस्ट्राइकनस नक्स वोमिका। अब हम नक्स वोमिका का फैमिली जानते हैं। नक्स वोमिका लोगानिसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम नक्स वोमिका का जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं, तो जो नक्स वोमिका है वो ईस्ट इंडीज से इंडिजेनस है, इंडिजेनस टू ईस्ट इंडीज। नक्स वोमिका का कल्टीवेशन श्रीलंका, सियाम और इंडिया में होता है। ऑल्सो कल्टीवेटेड इन सियाम, श्रीलंका एंड इंडिया। अब हम नक्स वोमिका सीड का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानते हैं। जो सीड है उसका शेप जो रहता है वो डिस्क शेप का रहता है सीड। डायमीटर जो सीड का रहता है वो 20 to 25 mm रहता है। सीड का कलर जानते हैं, जो सीड का कलर रहता है वो ग्रे टू ग्रीनिश रहता है। कोई सीड लेते हैं तो इसमें यहाँ पे ये माइक्रोफिली है, ये यहाँ पे हीलियम है, इसमें सिल्की सिल्की हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो नक्स वोमिका सीड है वो वन साइड में कंप्रेस्ड रहता है, जिधर से साइनी हेयर्स रहता है वन साइड कंप्रेस्ड। अब हम नक्स वोमिका का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं। नक्स वोमिका में 1.5 to 5.3% अल्कलॉइड प्रेजेंट रहता है। जो चीफ अल्कलॉइड प्रेजेंट है नक्स वोमिका में वो है एस्ट्रेसीन और ब्यूरेसीन। चीफ अल्कलॉइड आर एस्ट्रेसीन, एस्ट्रेसिनीन एंड ब्यूरेसीन 40 to 50%। जो अदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है वो है वोमिसिन, नोवासिन और अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है फिक्स्ड ऑयल। यूजर जानते हैं नक्स वोमिका का। जो नक्स वोमिका है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के तौर पे यूज करते हैं। नक्स वोमिका इज यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट, क्योंकि जो नक्स वोमिका है उसका स्टिमुलेंट एक्शन रहता है स्पाइनल कॉर्ड पे। नर्व टॉनिक के
तौर पे भी हम यूज करते हैं। नक्स वोमिका को डॉग कैट रैट ये सब में पॉइजनिंग कॉज कराने के लिए भी हम नक्स वोमिका का यूज करते हैं। नक्स वोमिका एक बीटा टॉनिक के तौर पे भी यूज होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।